पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान संख्या PK-792 जब इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर उतरी तो पूरे पाकिस्तान में बकरी कुदान और गधैया नृत्य की झड़ी लग गई। पाकिस्तान में ऐसा माहौल आमतौर पर तभी होता है जब उनका कोई जमूरा भारत में हुरों की खोज में निकल जाता है या फिर वह भारत को जाने के लिए रुखसत होता है, मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार स्वीकारे गए सच की खुशी में जश्न था, जिसे पाकिस्तानियों ने गर्व के साथ ईद की तरह मनाया। लंदन से इस्लामाबाद आई इस फ्लाइट में पाकिस्तान के शहीद उस्मान खान की बॉडी आई थी। यह वही उस्मान खान था जिसने लंदन ब्रिज पर पाकिस्तान का भंगड़ा करके पाकिस्तान के मदरसों का नाम रोशन किया है। इसकी बड़ी दाढ़ी साफ इशारा करती है कि कैसे पाकिस्तान में तैमद और टोपी मार्केट अपना विस्तार कर रही है। सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने उस्मान खान को अपना नागरिक स्वीकार किया है और शायद पहली बार है जब किसी पाकिस्तानी जमूरे को विदेश में झंडे गाड़ने के बाद पाकिस्तान में गाड़ा गया है, यानी इस जमूरे की कब्र कुकुर की सूसू से बच गई है। पाक सेना वहां स्मृति स्तंभ बनाकर उसकी देखभाल की व्यवस्था अवश्य करेगी। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर उस्मान के परिवार ने उसका शव प्राप्त किया, फिर उसे गुलाम कश्मीर के कोटली जिले में स्थित बिजलानी गांव में गाड़ दिया। खास बात यह है कि यहां भी उस्मान की शहीदी के नारे लगाए गए और उसे अल्लाह का सच्चा बंदा बताया। लोगों की भीड़ ने मातम के साथ पाक सरकार से उसे शहीद का दर्जा देने और उसके परिवार को पेंशन देने की मांग की। मजे की बात यह है कि सारी औपचारिकताएं पूरी करने वाला पाकिस्तान विदेश विभाग कह रहा है कि उसे उस्मान के शव की यहां आने की कोई जानकारी नहीं है, यानी लंदन में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की बगैर अनुमति के पाकिस्तानी जमूरे बिना चिट्ठी पत्री के इधर से उधर पहुंच रहे हैं। पर मामला यहां तक नहीं है। 29 नवंबर को लंदन पुलिस द्वारा उस्मान को ठोके जाने से पहले उसने 2 निर्दोष लोगों को ऊपर पहुंचाया था और 3 को घायल कर दिया था। बाद में उसकी पहचान गुलाम कश्मीर स्थित अपनी जमीन पर जमूरों के प्रशिक्षण शिविर चलाने के रूप में हुई थी। हालांकि पाकिस्तान ने शुरुआत में उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन जल्दी ही उसका कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया। अब पाकिस्तान के कथित सामाजिक संगठनों ने उस्मान को शहीद का दर्जा देने और उसके परिवार को पेंशन देने की मांग की है। लोगों का तर्क है कि उस्मान ने इस्लाम के लिए जिहाद किया है, उसने किसी चोरी डाके के लिए अपना बलिदान नहीं दिया, बल्कि उसका मकसद इस्लाम की रक्षा करना और काफिरों से दुनिया को मुक्त करना था। ऐसी हालत में वह एक पाकिस्तानी शहीद होने की सारी औपचारिकताएं पूरी करता है, उसके परिवार को पेंशन देना सरकार का कर्तव्य बनता है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ संगठन चंदा इकट्ठा करके उस्मान के परिवार को मदद की तैयारी कर चुके हैं, साथ ही इस पैसे से उसकी कब्र को भी चमकाने की योजना है। वैसे उस्मान से सहानुभूति रखने वाले पाकिस्तान में ऐसा माहौल तैयार करने में जिन्ना से लेकर जियाउल हक तक सभी जिम्मेदार हैं। पाक फौज जो कोई युद्ध नहीं जीत सकी, उसने जिहाद को अपना रण क्षेत्र बना लिया है। यह मुल्क उस कोड की तरह हो गया है जिसका इलाज उसके अंत के साथ ही खत्म होना है। यहां भारत के हाथों ठोके गए पाकिस्तानी सैनिकों के जनाजे की खबर नहीं आती, लेकिन जमूरों के हुर मिलाप की खबर पर हजारों लोग जलसे के रूप में निकल पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का इस्लाम दुनिया के इस्लाम से एकदम निराला है, जहां गैर मुस्लिमों को इंसान की बजाय काफिर के रूप में देखा जाता है। मजे की बात यह है कि इनके किसी मुल्ला ने वापस आकर नहीं बताया कि उनके किस जमूरे को कितनी हुरें मिली है, यानी दाढ़ी बढ़ाओ, तैमंद लपेटो, टोपी सजाओ और बन गए मुसलमान। पर इससे भी सच्चा मुसलमान बनने के लिए काफिर को ठोकना भी जरूरी है, अन्यथा पाकिस्तान का अल्लाह जन्नत में नहीं भेजता है। इसका मतलब यह है कि जिस देश की 40% आबादी गरीबी और भुखमरी का शिकार है, उन्हें अल्लाह के भरोसे रखकर दंड बैठक कराई जा रही है। उन्हें उस्मान कसाब जैसे जमूरों से प्रेरणा लेने के लिए मदरसों में पाठ पढ़ाए जाते हैं और शायद इसके बाद ही पाकिस्तान तैयार होता है। इसे इमरान खान का नया पाकिस्तान भी कह सकते हैं और यही जिन्ना का पुराना पाकिस्तान भी है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।